हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना अपने चैनल भावना ब्यूटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ और मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। टाइम हो रहा है 3:30 का, चांद निकलेगा तब तक मुझे सारी तैयारी करनी है। तो कढ़ी मैंने बना ली है चावल को निकाल के, और अब मैं बनने के लिए रखूँगी धो के साफ़ करके इनके लिए। तो देखिए यहाँ पे कढ़ी बन रही है और उधर मैंने चावल को भी चढ़ा दिया है, और उसके बाद फ्रेंड्स आटा लगा के मैंने रख दिया था, पर ये थोड़े से बर्तन हो गए थे, इनको मैं वॉश कर रही थी। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। करीब 5:30 बज रहे होंगे क्योंकि पूड़ियाँ मैंने थोड़ी लेट बनाई हैं। ये रखने के बाद थोड़ी सी, अभी ठंडी का मौसम है ना, इतनी सूख सी जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने चांद बना लिया है और सारा सामान भी निकाल के रख दिया है, पूजा का करवा भी और थाली वगैरह सब कुछ पहले से ही मैंने तैयारी कर ली है मैंने। और यहाँ पर बस मैं ये सेट करके रख रही हूँ क्योंकि चांद निकलने का टाइम हो गया है। और पूर्वी ने देखिए ये कैलेंडर को खूब अच्छे से फिट कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये वाली मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई थी क्योंकि मेरे से एक ही हैंड पे लगती है, मेरे से क्या सभी से एक ही हैंड पे लगती है। दूसरे हैंड पर मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, एक पर मैंने लगाई थी क्योंकि और कोई है भी नहीं लगाने वाला। जब मैंने मेहंदी लगाई तो पूर्वी सो गई थी, करीब 11 बज गए थे। और ये देखिए मेरी चुटकू यहाँ पे सो रही है। और फिर मैं इधर तैयार होने के लिए आई थी और ये मैं तैयार भी हो गई हूँ, और पहली बार मैंने बनारसी साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स, अभी चांद भी निकल आया है, मैंने पूजा भी कर ली है और मैंने इस तरह से साड़ी पहनी है, ये देखिए, और ये इस तरह से, ये देखिए मैंने पूरा जो सीधे पल्लू में साड़ी को बांधा है, ये देखिए। पहली बार मैंने ये इस तरह से बांधी, बहुत दिन से, मतलब हमेशा मैं लहंगा ही पहनती थी क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं रिवाज है कि लहंगा अगर जो फेरे पड़ते हैं ना वो ही कपड़े पहने जाते हैं, पर अगर चेंज करना होता है ना तो 5 साल, 7 साल, 11 साल इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मेरी जो है ना, ये 11वीं करवा चौथ थी, तो मैंने ये साड़ी लेके आई थी मैं बनारसी। तो मैंने पर मैं जो चांद पूजने गई थी तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, मेरे हस्बैंड भी सामने खड़े थे, उनको मैं उनकी पूजा भी करती मैं, तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। और अब पूर्वी जो मेरी बेटी को संभाल रही थी, पिछली बार पूर्वी ने थोड़ा बहुत सूट कर दिया था, तो मैंने सोचा कोई नहीं, बेबी ज़रूरी है, बच्चे, घर परिवार, पति सब ज़रूरी है, इतना मुझे यूट्यूब ज़रूरी नहीं है, पर जो हो सकता है उतना मैं आप लोगों के लिए दिखा पाई हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे आसपास ऐसे हैं जो मेरे पति के बारे में भी नहीं निगेटिव सोचते हैं, उनके बारे में बहुत ही बुरा सोचते हैं। तो आज मैंने जब ये सारी बातें सुनी कि कौन क्या सोचता है मेरे हस्बैंड के बारे में, और आज के दिन सुना, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और बस मैं मैया से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पति की खूब लंबी उम्र हो, मेरे पति हमेशा खुश रहें, क्योंकि हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है, हर पत्नी कभी कुछ भी गलत नहीं सोचेगी। और मैं मैया से यही तो प्रार्थना करती हूँ, ही करवा चौथ मैया, मेरे पति को खूब लंबी आयु देना, मेरी भी उम्र उनको लग जाए। तो देखिए, अगर आप मेरे पिछले साल का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो।